हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पोर्टल हाइपर टेंशन। ओके, पोर्टल हाइपर टेंशन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में पढ़ा था, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है वो किसके बीच में होता है? जीआई सिस्टम एंड लीवर, जीआई एंड लीवर के बीच में पोर्टल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जिसमें जो वेन होती है, कौन सी? पोर्टल वेन। ये क्या करती है? ये जो भी जीआई सिस्टम के पार्ट्स है उससे जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कहाँ ले जाती है? लीवर में। ओके, जिसके अंदर क्या कंटेन होता है? जो जीआई सिस्टम से जो ब्लड लीवर में जा रहा है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। यही होता है पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, जिससे ये न्यूट्रिएंट्स जीआई सिस्टम से पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाते हैं? लीवर के अंदर। ठीक है, वहाँ से फिर फिल्ट्रेशन होने के बाद बचा हुआ ब्लड कहाँ जाता है? इन्फीरियर वेना केवा में। यही है पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये जो पोर्टल सर्कुलेशन में जो पोर्टल वेन होती है उसके अंदर अगर जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है पोर्टल वेन के अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है, हाइपरटेंशन कंडीशन आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, सो अब इसकी जो डेफिनेशन है उसकी अपन बात करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज वेस्कुलर डिजीज। वेस्कुलर का मतलब रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। ओके, ये क्यों होती है? ड्यू टू हाइपर टेंशन इन विच प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीज इन पोर्टल वेन। ओके, ये एक वेस्कुलर डिजीज होती है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर कहाँ इंक्रीज हो जाता है? पोर्टल वेन में। ओके, देन इसको क्या बोलेंगे हम? पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अपन इसकी जो कॉजेज की बात करें कि ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल वेन में, तो सबसे पहले कॉज हो सकती है इसकी कंजिनाइटल स्टिनोसिस। यहाँ पे दो वर्ड है, कंजिनाइटल एंड स्टिनोसिस। कंजिनाइटल वर्ड का मीन क्या होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म से ही अगर पर्सन में ये प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कंजिनाइटल। ठीक है, स्टिनोसिस का मतलब होता है नेरोविंग, नेरोविंग संकरा हो जाना। ठीक है, जैसे नेरोविंग किसको बोलते हैं? एक ये नॉर्मल है और एक ये यहाँ पे अगर ये नेरोविंग हो गई तो इसको क्या बोलेंगे? स्टिनोसिस। ओके, तो सबसे पहले इसकी कॉज क्या होगी पोर्टल हाइपरटेंशन की? कि अगर पोर्टल वेन में कंजिनाइटली यानी बर्थ से ही स्टिनोसिस प्रेजेंट है, अगर पोर्टल वेन बर्थ से ही नेरोविंग नेरो हो रखी है, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सेकेंड जो कॉज है वो है लीवर सिरोसिस। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है? लीवर के अंदर जो नॉर्मल लीवर सेल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्कार टिश्यूज़ में। ठीक है, स्कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो फंक्शन होता है लीवर का वो ये मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर लीवर में सिरोसिस हो रखा है तो क्या होगा? पोर्टल वेन से सर्कुलेशन या ब्लड जो है वो लीवर में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से पोर्टल वेन में क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन। ठीक है, थर्ड वन है कॉज एक्सटर्नल इंजरी एंड ट्रोमा। यानी कि अगर जो पोर्टल सर्कुलेशन या जो पोर्टल वेन है उसमें किसी भी तरह की इंजरी हो गई या ट्रोमा हो गया, ठीक है, उस वजह से भी क्या हो सकता है? उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, या जो लीवर है, ठीक है, अगर लीवर में किसी तरह की इंजरी हो गई तो उस वजह से भी क्या होगा? इसमें से ब्लड आगे फ्लो
नहीं हो पाएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए कहाँ पे, पोर्टल वेन में। ओके, नेक्स्ट जो कॉज है वो है विटामिन ए टॉक्सिसिटी, यानी कि ब्लड में विटामिन ए का लेवल इंक्रीज हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा एक्सेसिव लेवल में अगर विटामिन ए ब्लड में प्रेजेंट हो तो ये क्या करता है, लीवर को डैमेज करने का काम करता है विटामिन ए। ठीक है, तो अगर ब्लड में विटामिन ए का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए एक्सेसिव लेवल में तो क्या करेगा, लीवर को डैमेज कर देगा, और लीवर डैमेज होगा तो सर्कुलेशन मेंटेन नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से क्या कंडीशन एराइज होगी, पोर्टल हाइपर टेंशन। ठीक है, सेम लाइक ये नेक्स्ट कॉज होगी ड्रग टॉक्सिसिटी, अगर कोई ड्रग का लेवल ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है कोई ड्रग अगर ब्लड में, तो क्या करेगी, लीवर को डैमेज करेगी, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, जो भी ड्रग्स वगैरह हम लेते हैं वो कहाँ जाती है, लीवर में। ठीक है, किस लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, तो अगर किसी ब्लड में ड्रग का लेवल ज़्यादा हो रखा है तो क्या होगा, वो लीवर को नुकसान पहुँचाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, और लास्ट है एक्सेसिव एल्कोहल एब्यूज़, यानी कि कोई पर्सन ज़्यादा एल्कोहल का कंसप्शन करता है तो उसमें क्या होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से भी क्या होगा, सर्कुलेशन रुक जाएगा और पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन एराइज होगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो इसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले जो लक्षण देखने को मिलेगा वो होगा जीआई ब्लीडिंग, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है या जो पोर्टल वेन है उसकी जो ब्रांचेज है, अगर उनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रखा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रखा है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये ब्लड वाल वेसल की वाल से इनमें क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी या ये रप्चर हो जाएगी। ठीक है, रप्चर होगी अगर ब्लड वेसल्स वाल्स तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, जीआई ब्लीडिंग। ओके, नेक्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होगा, अगर लीवर में डैमेज है, लीवर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है तो उस वजह से क्या कंडीशन एराइज होगी, जॉन्डिस। और जॉन्डिस में क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, फैटिग एंड वीकनेस, यानी कि जो पेशेंट होगा उसमें कमजोरी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स लीवर में नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लीवर में प्रॉपरली या नॉर्मली नहीं जा पा रहे हैं तो उनका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिस वजह से पेशेंट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वीकनेस की कंडीशन एराइज होगी। ओके, नेक्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो पेशेंट का वेट कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा एब्डोमिनल पेन, यानी पेशेंट को पेन फील होगा। क्यों होगा, अगर अंदर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, रप्चर हो रहा है, तो उस वजह से क्या फील होगा, पेन। ओके, नेक्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, एसाइटस। एसाइटस क्यों देखने को मिलेगा, अगर जीआई ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो जो ब्लड बाहर लीक हो रहा है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में, वो कहाँ जमा हो जाएगा, पेरिटोनियम में। ठीक है, और जिस अगर पेरिटोनियम या एब्डोमिनल कैविटी में अगर फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसाइटस। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में अगर फ्लूड का एक्यूमुलेशन होता है तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, एसाइटस। और ये क्यों होगा, क्योंकि जीआई ब्लीडिंग होगी, और जीआई ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लीक होके कहाँ चला जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वोमिट विथ ब्लड, अगर जो पोर्टल वेन है उसमें इंजरी हो रखी है तो उस वजह से जो क्या होगा, जो भी सर्कुलेशन है या जो सीक्रीशन है उनमें ब्लड मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है उनमें क्या मिक्स हो जाएगा, ब्लड। तो अगर बाय चांस वोमिट होगी तो उसमें ब्लड बाहर आएगा। ओके,
नेक्स्ट जो लक्षण देखने को मिलेगा वो होगा एल्टर्ड स्लीप पैटर्न, यानी कि पेशेंट का जो स्लीप पैटर्न है वो एल्टर्ड हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एक तो उसको वीकनेस हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, एसाइटस की कंडीशन है, ठीक है, पेन हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, स्लीप पैटर्न एल्टर्ड हो जाएगा। ओके, और लास्ट जो मतलब सिम्टम देखने को मिला वो होगा इंक्रीज इरिटेबिलिटी, यानी कि पर्सन क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसमें इरिटेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में अपन नॉर्मली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट का एक्सरे लेंगे, ठीक है, एक्सरे लेंगे कहाँ का, एब्डोमिनल कैविटी का। तो उसमें एब्डोमिनल कैविटी में अगर एक्सरे लेंगे तो उसमें अपन को एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद करेंगे सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या देखेंगे, जो आरबीसी का लेवल है वो क्या होगा, कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आरबीसी का लेवल कम मिलेगा। और डब्ल्यूबीसी जो है इसका लेवल क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ। अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अपन इसमें डायग्नोसिस करेंगे यूएसजी, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, या कर सकते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई। ये सभी प्रोसीजर्स जो है, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे, इनमें से कोई एक प्रोसीजर कर सकते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और लास्ट है एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, ओके, और एक लाइट होती है। इस कैमरे से जो डॉक्टर है वो स्क्रीन पे अंदर के पार्ट्स देखता रहता है, ठीक है। तो अगर अंदर की तरफ किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी है, ब्लीडिंग हो रखी है या रप्चर हो रखा है, तो वो इसमें कैमरे में विजुलाइज हो जाएगा। ओके, सो ये डायग्नोसिस की बात हो गई। डायग्नोसिस के बाद इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट को देंगे बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जो कहाँ कब दी जाती है, बीपी की प्रॉब्लम में। ओके, अभी बीटा ब्लॉकर्स करती क्या है, जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बीटा रिसेप्टर्स, उनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। ये जो बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स में, उनको ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, वेसो डायलेशन हो जाता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स का काम होता है ये, वेसो डायलेशन का। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, डायुरेटिक्स क्यों देंगे, जो बॉडी में एक्सेसिव फ्लूड या एक्यूमुलेट हो रखा है लाइक एसाइटस की कंडीशन में, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। डायुरेटिक्स का काम क्या होता है, बॉडी में जो फ्लूड एक्यूमुलेट होता है उसको रिमूव करती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो क्या है, लो सोडियम डाइट, यानी पेशेंट को क्या सलाह देनी है, एडवाइस देनी है कि आप सोडियम कम खाएं, लाइक नमक, ऐसी डाइट कम लें जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो लो सोडियम डाइट लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि सोडियम जो होता है ये क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। ओके, क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, इसलिए पेशेंट को लो सोडियम डाइट लेने को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेशेंट को या तो एल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही करने से अवॉइड करना है, क्योंकि ये दोनों क्या करती है, बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। ओके, सो दीज आर द मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद अपन अगर और मैनेजमेंट की बात करें, अदर मैनेजमेंट की, तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें। फर्स्ट वन है पेरासिंथेसिस। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूड एक्यूमुलेट हो रखा है उसको रिमूव किया जाता है। ओके,
लाइक जो एसआईटस की कंडीशन है जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है एब्डोमिनल कैविटी में, उसको रिमूव करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? पेरासिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है वो है लीवर ट्रांसप्लांट। अगर जो लीवर है वो एंड स्टेज में है, यानी कि जो लीवर डिजीज़ है वो एंड स्टेज में है, बिल्कुल पूरी तरह से लीवर फेल हो चुका है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? लीवर ट्रांसप्लांट। ओके, और लास्ट जो मैनेजमेंट है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि पेशेंट को क्या बोलना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। कैसे चेंज करें? कि आपको जो है अच्छी न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, जो भी एबनॉर्मल जैसे जो फैटी फूड्स है, ओके, लाइक स्मोकिंग है और एल्कोहल है, इसको क्या करना है? अवॉइड करना है। और आपको डाइट कैसी लेनी है? न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है और एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, टू हेल्प अवॉइड पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। ओके, सो ये पोर्टल हाइपरटेंशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसका एक बार वापस से अपन समरी कर लेते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर जो पोर्टल वेन है उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, इसकी जो कॉजेज़ की बात करें तो फर्स्ट वन कॉज क्या हो सकती है? कंजिनाइटल स्टिनोसिस, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से ही अगर पल जो पोर्टल वेन है उसमें स्टिनोसिस हो रखा है, नेरोविंग हो रखी है, तो ये भी एक कॉज हो सकती है हाइपरटेंशन की। नेक्स्ट लीवर सिरोसिस, यानी अगर लीवर में सिरोसिस की कंडीशन है तो क्या होगा? पोर्टल वेन से आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, जिस वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशन एराइज होगी। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल इंजरी एंड ट्रोमा। या तो पोर्टल वेन या लीवर में किसी भी तरह की इंजरी हो जाए तो क्या होगा? ये सर्कुलेशन आगे नहीं जा पाएगा और हाइपरटेंशन की कंडीशन एराइज होगी। ओके, विटामिन ए टॉक्सिसिटी में क्या होगा? जो विटामिन टी ए का अगर लेवल ब्लड बढ़ जाए ब्लड में, तो ये क्या करेगा? लीवर डैमेज, ठीक है, जिस वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद साइन सिम्टम्स की बात करें तो क्या देखने को मिलेंगे? लाइक ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, वीकनेस होगी क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं तो वेट लॉस भी होगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन की कंडीशन क्यों होगी? क्योंकि वहाँ ब्लीडिंग हो रही है। ओके, एसआईटस क्यों होगा? ब्लीडिंग की वजह से एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, ब्लड भी वोमिट के साथ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो वो ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स है उसमें ब्लड मिक्स हो जाएगा। ओके, जिस वजह से भी ब्लड देखने को मिलेगा वोमिट में। स्लीप पैटर्न एल्टर्ड क्यों हो जाएगा? क्योंकि पेन फील होगा पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में पेशेंट को क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर्स। ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है? जो बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स में, उनको मतलब ब्लॉक करने का काम करती है। और ये ब्लॉक होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ब्लड वेसल्स में वेसो डायलेशन हो जाएगा। ओके, यानी कि डायलेशन हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो देंगे इसमें ट्रीटमेंट वो होगा एंटीबायोटिक्स। इन्फेक्शन के लिए डायुरेटिक्स क्यों देंगे? एक्सेसिव फ्लूड को रिमूव करने के लिए। सोडियम डाइट लो देने क्यों बोलेंगे? क्योंकि सोडियम वेसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। ओके, अदर मैनेजमेंट पे बात करें तो पेरासिंथेसिस का क्या मीन होता है? ये कैसा प्रोसीजर है जिसमें एब्डोमिनल कैविटी में जो फ्लूड एक्यूमुलेट हो रहा है उसको रिमूव किया जाता है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? पेरासिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है वो है कि अगर लीवर बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? लीवर ट्रांसप्लांट। और पेशेंट को क्या बोलना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, उसमें क्या क्या चेंज करना है? न्यूट्रिशन जो है वो अच्छा न्यूट्रिशन डाइट लेनी है, जो फैटी फूड है या जो स्पाइसी फूड है वो सब अवॉइड करना है, एल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना है और डेली एक्सरसाइज करनी है। ओके, सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए या पर्सनल मैसेज करके पूछिए। ओके, थैंक यू।